हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ बारबेक्यू नेशन स्टाइल ग्रिल्ड पाइनएप्पल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पाइनएप्पल रेसिपी जो है मैं कुकिंग रेंज अवन में प्रिपेयर करूँगी। आप इस वीडियो की हेल्प से इजीली गैस कुकिंग रेंज अवन में ग्रिल्ड पाइनएप्पल जो है घर पे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा, यमी और जूसी टेस्ट रहता है इसका, जैसा हम बारबेक्यू नेशन में खाते हैं, सेम उसी टेस्ट का आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ग्रिल्ड पाइनएप्पल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ पाइनएप्पल ले लिया है। आप चाहें तो राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं या फिर इसे स्मॉल साइज़ में भी कट कर सकते हैं। तो आपको जितनी नीड है आप उतना पाइनएप्पल ले सकते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले मैरिनेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कम से कम हाफ स्पून के करीब इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 पिंच ये सिनेमन पाउडर है यानी दालचीनी का पाउडर, और एक छोटा चम्मच इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है। साथ ही में 2 स्पून के करीब इसमें मैंने जो है शुगर ऐड कर लिया है। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर नहीं है तो आप वहाँ पे जो है 1 पिंच जो भुना हुआ जीरा पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं। दालचीनी पाउडर ऐड करने से थोड़ा इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्मोकी और काफ़ी दालचीनी का जो फ्लेवर है वो इसमें आता है, तो खाने में थोड़ा सा ये अच्छा लगता है। तो इसे कम से कम हम जो है 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे, और 10 मिनट के बाद आप जो है बेकिंग टिन में इस तरह से इसको ट्रांसफ़र करके जो है ग्रिल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप जो ग्रिल ट्रे होती है उसमें ना रखें, क्योंकि वो काफ़ी स्टिक हो जाता है उसमें और आपका ओवन भी काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो जब तक ये मैरिनेशन के लिए मैंने रखा है, तब तक इसको 10 मिनट्स के लिए मैं जो है प्रीहीट कर लूँगी। और प्रीहीट कैसे किया जाता है गैस कुकिंग रेंज ओवन को, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जो है देख सकते हैं कि कैसे जो है इस ओवन को हम प्रीहीट कर सकते हैं बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं, तो 10 मिनट्स के बाद हमने जो मैरिनेट करके रखा था पाइनएप्पल वो हम इसमें जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसे कम से कम 7 to 8 मिनट के लिए जो है हम ग्रिल करेंगे। और 7 to 8 मिनट लगता है इसको ग्रिल होने में। आप जब भी ग्रिल करें सबसे ऊपर वाली रैक में अपना जो रैक है वो प्लेस करें, और वहीं पे उस बेकिंग ट्रे को या फिर जो ग्रिल टिन है वो आप रख सकते हैं ताकि अच्छे से ग्रिल हो जाए। तो 8 मिनट हो चुके हैं, मैंने 8 मिनट के बाद इसको ओपन किया, और इसको हम इस तरह से टर्न कर लेंगे, इसकी जो दूसरी साइड है वो भी अच्छे से ग्रिल हो जाए। तो इसे भी हम कम से कम 7-8 मिनट के लिए रखेंगे। 7-8 मिनट के बाद आप इसको चेक करें, और उसके बाद जब पूरा जो है ओवन आपका कूल हो जाता है उसके बाद आप इसको आउट कर सकते हैं। तो 8 मिनट्स के बाद ये देखिए ये अब अच्छे से ग्रिल हो गया है। अब इसे मैं इसी में रहने दूंगी थोड़ी देर, 5 मिनट्स के लिए और, लेकिन जो ग्रिलिंग का जो नॉब है, ग्रिलिंग जो प्रोसेस है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। ऑफ़ करने के 5-6 मिनट के बाद मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। ग्रिलिंग और बेकिंग से रिलेटेड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूँगी कि किस तरीके से गैस कुकिंग रेंज ओवन में आप रेसिपी बना सकते हैं, वो सारी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए कितना परफेक्ट और जूसी ग्रिल्ड पाइनएप्पल बन के रेडी हुआ है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।